यहाँ से हम लोगों का ये कोई वो थोड़ी है। जिसको लास्ट क्लास में जो हमने छोड़ा था वहीं से शुरू है ये। करो ट्राई या करें। मैं भेज दूंगा आपको, मैंने भेजा तो था शायद बहुत पहले प्ले लिस्ट। चलो मैं भेजूंगा। शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा। उसने साड़ी 10% और लहंगा 25% के लाभ पर बेचा। उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य लहंगे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सुनो, दो चीज़ें हैं, एक है साड़ी और एक है लहंगा, है ना। साड़ी मान लेते हैं, लहंगा मान लेते हैं। साड़ी को इसने बेचा है क्या, 10% के प्रॉफिट पे बेचा हुआ है। ये हमारा सीपी मान लेते हैं और ये हमारा एसपी मान लेते हैं। तो 10% का प्रॉफिट, यानी कि साड़ी जो बेचा इसने 10 रुपये की साड़ी कितने में बेच दी इसने, 11 रुपये में। और लहंगा जो है वो उसने 25% के प्रॉफिट बेचा, यानी कि 4 रुपये का लहंगा कितने में बेच दिया इसने, 5 रुपये में। अब उसने ये, मैंने कहा था कि इसमें हमें चीज़ों को इक्वल करना है, जैसा बोला है उसने कहा साड़ी की जो कीमत है, कीमत का मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, ये लहंगे के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो लहंगे के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो हमें इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी 10 है, इसको 10 बना लेते हैं, किससे गुना करा के, 2 से गुना करा के। और इसको किसी से गुना कराने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ती तो हम दोनों से गुना कराते। तो ये 10 और 8 18 कंप्लीट, साड़ी और लहंगे का बजट पड़ा 18 रुपये का, और यहाँ पे 11 और 10 21। ठीक है, अब उसने ये क्या, हाँ नमस्ते भाई, अब उसने क्या कहा, उसका लाभ प्रतिशत देखो, 18 का सामान कितने में जा रहा है, 21 में, कितने का फायदा हो गया, तो 1/1/6, तो कितना हो जाएगा हमारा 16, हाँ 16.16 सही 6/6 हो जाएगा, 16 सही 2/3 हो जाएगा। फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ये तो यार एक ही दिन में खराब हो गया, स्कैम हो गया मेरे साथ। पता नहीं लग रहा, ज्यादा ही मच्छे मार दिए। अब हम इसको खेलेंगे, वो लेके आओ, इससे चार्ज नहीं हो रहा शायद, आ देंगे नहीं यार, चार्ज किया ही नहीं अभी तो। हाँ कोई वारंटी गारंटी नहीं इसकी। अरे तो चल रहा है, ये प्लास्टिक है। आ जाओ करें, नेक्स्ट पे ही हो गया। कोई तुम्हें से कह रहा था ना 1 साल चल जाएगा। न्यू टाइप लिख लो आप लोग भाई। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया ना, ये थर्ड क्वेश्चन था इस टाइप का, हम पहले ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन के कर चुके हैं। अब आप लोग न्यू टाइप लिख लो आप लोग। नहीं चल रहा, न्यू टाइप लिख लीजिए। 3 रुपए के 7 सेब खरीदे, तो 100 रुपए में कितने सेब बेचे कि उसको प्रॉफिट या लॉस हो जाए।
एक सेकंड ध्यान देना प्लीज आप लोग, ये शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान रखना आप लोग, आपको कभी भी ना ऐसे कंडीशन में जो अभी हम टाइप करने जा रहे हैं उसमें आपको प्राइस बटे में क्वांटिटी और प्रॉफिट या लॉस लिखना है। अगर प्रॉफिट है तो क्या आ जाएगा, प्लस लॉस है तो माइनस, बराबर में सेकंड प्राइस और सेकंड क्वांटिटी, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो माइनस कर देंगे। एक चीज और, अगर प्रॉफिट या लॉस नहीं है, सीपी है तो सिर्फ 100, ठीक है ना। मैंने कहा कि कुछ सामान खरीदा, कुछ प्रॉफिट में बेच दिया, उसी का एक सेकंड कंडीशन दे रखी होगी आपको, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो, अगर बेचने की जगह खरीद रहा है तो सिर्फ 100 लेंगे हम लोग, ठीक है। ये लिख लो आप लोग, इससे काम आसान हो जाएगा आपका। बाकी ये दिखने में वैसा लग रहा थोड़ा सा वियर्ड सा, बाकी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो हो जाएगा जल्दी। हाँ, क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी, करें क्वेश्चन। पहले वाले की क्वांटिटी लेनी है और सेकंड वाले की क्वांटिटी लेनी है ब्रो। करेंगे ट्राई, देखो सुनो, 3 रुपए के कितने सेब खरीदे इसने, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस लेंगे सिर्फ हम यहाँ पर, ना प्लस ना माइनस। अब क्या कह रहा है ध्यान से सुनना आप लोग, कह रहा है 100 सेब कितने रुपए में बेचे, ठीक है ना, कितने रुपए में बेचे, तो प्राइस हमें निकालना है 100 सेब यानी कि क्वांटिटी हो गया, कि उसे क्या हो जाए 33% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। बस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 133, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे उसको प्राइस रखने पड़ेगा 57। दूसरा मेथड कैसे करना चाहते हो बताओ। ये फॉर्मूला याद करने में फायदा है, बाकी देख लेते हैं दूसरा कुछ मेथड। क्या 7 की टेबल से काट दिए, इस तरह के जो सवाल आते हैं ना, एक एक दो दो तीन तीन रुपए टाइप के, इसमें ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चला जाता है। जैसे एक सेव का मूल्य निकालोगे तो 3/7 आएगा, ठीक है ना, एक सेव का, या एक काम कर लो, या तो कि हाँ एक सेव का मूल्य निकालो, 1/7 आ जाएगा, फिर इसका 33% निकालोगे, 133/100 करोगे, फिर इंटू में 100 करोगे तो फिर एग्जैक्ट क्वांटिटी आएगी। मैंने ये बताया आपको, तो चलो देख ही लेते हैं। 3 रुपए में 7 सेब तो इसने खरीदे हैं, है ना, और 100 रुपए में कितने सेब बचे कि इसे 33% का क्या हो, लाभ हो जाए, ठीक है। हाँ, 100 सेब बेचने इसको, ये हमारी क्वांटिटी है, 7 एप्पल्स हैं ये, तो एक एप्पल का रेट कितना हो जाएगा, 3/7 कर लेगा, आ रहा है कुछ, क्या क्या किया हुआ है अब 30, हाँ ठीक है ना, ऐसे। अब एक हमने इसको एप्पल में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें दिया हुआ भी एप्पल्स ही है, अगर मान लो प्राइस दे देता तो फिर मैं इसको प्राइस की तरफ लेके जाता, ठीक है, अगर सेम सवाल अगर 57 पे होता तो, लेकिन ये तो चलो इजिली हो गया, कटवट गया, लेकिन आगे दिक्कत आपको हो सकती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल।
आ रहा है? करें भाई, देखो याद रखने वाली कोई बात नहीं है, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, सीधी सी बात है। और 160 में 90 बेचने पे उसको क्या हो रहा है, 20% की हानि, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, 20% का लाभ, यानी कि 120 करना हमें, 96 रुपये में बेचना चाहता, तो प्राइस हमें दे रखा है, क्वांटिटी हमें बतानी है, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 16 से 96 हो गया हमारा, 10 से ये भी काट दो आप लोग, और 6 दूनी 12 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, और क्या बच गया, तो क्वांटिटी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी कि 96 रुपीज़ में अगर वो 36 पेन बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा, हानि उसकी लाभ में कन्वर्ट हो जाएगी। करें आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू टाइप लिख लो आप लोग। बेईमान दुकानदार, देखो बेईमानी 2 प्रकार की है, बस इसमें यही जानना है, और तो बहुत कुछ इसमें आएगा, हम लोग करेंगे आगे। 36 पहला वाला तो मैंने कर ही दिया था, अब ध्यान से सुनना आप लोग, दूसरे वाले से क्यों नहीं हो रहा, ध्यान से सुनो। पहली बात तो हमें यहाँ पे प्राइस दे रखा है, तो प्राइस में कन्वर्ट कर लो आप, यानी कि 1 रुपये में कितना हो जाएगा हमारा, 90/160 हो जाएगा, और हमें क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है ना, तो लॉस हो रहा है, यानी कि बेसिकली ये बराबर है किसके, 80% के बराबर है एक्चुअली ये। लेकिन फिर इसमें रिवर्स रखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी ये नहीं हो रहा दिक्कत है। देखो एक बॉल की कीमत कितनी होगी हमारी, ये होगी ठीक है ना, ये एक बॉल पेन की कीमत होगी, लेकिन ये तो लॉस में है ना, ये इसका एक्चुअल सीपी नहीं है, ये 80% के इक्वल हो गया, तो 80 करोगे तो 100/80 आ जाएगा बेसिकली, ये आ जाएगा सीपी यहाँ से, ठीक है। अब इसको काट लो, तो 20/9 आ गया, ये आ गया हमारा सीपी। अब वो क्या चाहते हैं, 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, तो पहली बात तो ये कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें 120/ में क्या करना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा ठीक है। और अब हमें दे रखा अमाउंट दे रखा है इन्होंने, है ना, चलो एक और देख लो मैं थोड़ा बोलूँ। पहली कंडीशन में हमें लॉस हो रहा है 20%, ध्यान से देखना, 20% कितना होता है, 1/5, 5 लॉस का मतलब ये हो गया इसके, अगर मैंने कोई सामान 5 रुपये में खरीदा और उस पर 1 रुपये का लॉस हो रहा था, वो कितने का बिकेगा, 4 का बिकेगा ठीक है। दूसरी कंडीशन में वो क्या चाहता है हमसे, प्रॉफिट 20% का, 20% का प्रॉफिट ना, तो सॉरी 1/5 हो गया ये, तो 5 रुपये का सामान है वो कितने में बिकेगा, 6 रुपये में बिकेगा। अच्छा पिछली कंडीशन में गए वो ये क्या, आपको अमाउंट और ये दे रखा था कि 160 रुपये में 90 बॉल पेन जो है वो, तो 1 बॉल पेन का 20/16/9 आ जाएगा, 1 बॉल पेन का 16/9 आ जाएगा, लेकिन वही है ना, दो तीन मेथड है, किसी से भी कर सकते हो, सीपी को इक्वल करना होता है एक्चुअली, 16/9 अगर मैं यहाँ करता हूँ सपोज करो 1 मिनट के लिए, तो आ जाता 80/9, इसको 80/9 बनाने के लिए ये मेरा हो जाएगा 20/9 से गुना कराना पड़ेगा, कंडीशन है
8 रुपये में 90 बोलो बेचने भाई। हाँ उल्टा भी कर सकते हैं बट सीधा भी कर सकते हैं, अगर आप रिवर्स देख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। बीस प्रतिशत का चाहते हैं वो लाभ। बटा 160 20% की हानि यानी 100/80, फिर वो चाहते हैं 20% का लाभ। ठीक है यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, ऊपर है 2, 1, 3, 1, 4, 0, नीचे भी है 4, 0, तो ऊपर बच गया 9/16, 1/8 और 12/1, 12, 4 हो गया। नाइन्टी सिक्स छियानवे रुपये में कितने बॉल पेन बेचे? क्रॉस मेथड में क्या रखना चाहते हो? हाँ, यहाँ पे हाँ यहाँ पे एक ही बात है, ये तो क्वांटिटी तो है ना, ये एक्स तो जो है तो उनको वैसे जानना, मतलब अमाउंट वाइज जानना एक्चुअली इनको ना, ये तो सेम ही अगर देखो सेम ही चीज़ है अगर देखा जाए तो। जैसे आप 80 को इधर, जैसे आप इसको इधर भेजो ना क्रॉस कराने के रहो ना आप, जैसे आप क्रॉस कराओगे तो क्या हो जाएगा, 160/90 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा हमारा तो 96/ में क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, फिर ये 120 हमारा क्या हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा, है ना। तो फिर ये वापस हमने वहीं पे भेजा हुआ, हालांकि आप यहीं पे काट लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
मतलब ये 80% के इक्वल ही तो हुआ ना, लॉस हो रहा है 20% का, तो वो परसेंटेज मत लगाओ, 100 से 100 कट जाएगा वो तो, है ना, वो तो परसेंटेज आप नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। देखते हैं, रुक जाओ, नेक्स्ट देखो आप लोग, इसको देखते हैं, नेक्स्ट लिखो आप लोग डिसऑनेस्ट सेलर का, ध्यान से सुनना आप लोग। देखो खरीदने वक्त बेईमानी दो प्रकार से है, या तो खरीदने वक्त या फिर बेचने वक्त। अगर दुकानदार बेचने वक्त बेईमानी कर रहा है, यानी कि सेलिंग के टाइम पे दुकान अपने कस्टमर को चूना लगा रहा है, तो अगर मान के चलो बेचने वक्त अगर वो 200 ग्राम की बेईमानी कर रहे है ना, तो वो 100 एक किलोग्राम की जो चीज़ है वो कितने में दे रहा है सिर्फ, ठीक है, याद रखना इस तरह का रेशियो चलेगा। लेकिन अगर वो खरीदने वक्त वो कहीं से बेईमानी करके लाया हुआ है अगर, ठीक है, बाइंग करने के टाइम पे, तो वो 1000 के बदले कितना लाएगा, 1200। ये आपको ध्यान रखना, दो प्रकार से, खरीदने वक्त में ऐड होकर के लिखेंगे और बेचने वक्त में माइनस करके लिए, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। और ट्राई इसको फिर देखते हैं, देखो ध्यान से सुनना आप लोग। कोई बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के बजाय कितना तौल रहा है सिर्फ, ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग, कि जब वो बेच रहा है तो फिर 950 ग्राम, यानी कस्टमर को देना था कितना, 1000 ग्राम, लेकिन वो दे कितना रहा है, 950, यानी कि 50 ग्राम का घपला कर रहा है, वही उसका प्रॉफिट है। सॉरी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल,
क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है लेकिन 30% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी अगर उसको तौलना था 1000 ग्राम तो वो तौल रहा है कितना, 700 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम का प्रॉफिट कमाता है, कितने रुपए दे करके, जो इसकी जेब से जा रहा है ना वही रखा जाएगा, याद रखना इस चीज़ का, यानी कि एक्चुअल सीपी ये है, हालांकि ये है कस्टमर के लिए क्या, सेलिंग प्राइस, तो हमें यही रखना है नीचे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 300/7 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हो गया। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन था ये प्रॉफिट नहीं हो रहा था, मतलब ये कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा चेंज है। ये हो जाएगा भाई, ठीक है, प्राइस में कन्वर्ट कर लिया, प्रॉफिट था तो उल्टा कर दिया, और हमें जो प्राइस रखा, फिर ये तो एक का हिसाब हो गया है, ठीक है, जब एक पे 20% का प्रॉफिट होगा तो बाकियों पे भी होगा, लेकिन जब उल्टा करोगे तो इस परसेंटेज अमाउंट को भी हम उल्टा ही लिखेंगे, ये 120 लिखा है क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा, ठीक है, उस हिसाब से करेंगे, नीचे रखेंगे। हाँ, बाकी इसको डिटेल में भी कर सकते हैं। आओ देखो, सुनो भाई, सुनना भाई, 1 किलोग्राम के बजाय कितना, 800 ग्राम कर रहा है वो, 1 किलोग्राम के बजाय वो 800 ग्राम कर रहा है वो, और वो लाभ कमाना चाहता है, कितना लाभ पे बेचने का, ये भी कह रहा है कि मैं सीपी पे नहीं बेच रहा, मैं प्रॉफिट बेच रहा हूँ, और कितना परसेंट प्रॉफिट है, 30% प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो एक चीज़ और, हम एक जो है ना, ये बार बार मैं उल्टा लिख रहा था एक्चुअली, है ना, ये ना आप इस तरफ लिखो, जब कभी भी वो बेचेगा ना तो आपको हमेशा कस्टमर को लग रहा है कि उसको 1000 ग्राम जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जा कितना रहा है, जेब से 800 ग्राम जा रहा है ना, तो इसको इस तरफ लिखो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा सीपी हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा एसपी हो गया, जो कटने लायक है वो काट सकते हो आप लोग, जैसे 1 0 से 1 0 काट दिया आपने, फिर 2 0 से आपने 2 0 काट दिया, 1 0 से आप ये भी काट सकते हो, तो इधर आ गया हमारा 8 एकम 8, और इधर आ गया 13, तो 8 का सामान कितने में जा रहा है, 13 में, यानी कि 5/8 × 100 तो हो जाएगा, यानी कि 4 दुनी 8 25 हो जाएगा, 25 5 125, 125 का आता तो 64, 62, 62 दुनी 124 25,
हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट। इसमें ना बस यही ध्यान रखना आपको वजन का, बाकी सब तो नॉर्मल लिखा जाएगा। नुकसान का मतलब क्या हो गया भाई, 100 का सामान कितने में, 56 में, लेकिन कस्टमर को भ्रम है कि उसे 1000 ग्राम मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में मिल कितना रहा है, ठीक है, 910 ग्राम मिल रहा है। जो कटने लायक है वो काट देंगे, 3 जीरो इधर हैं, 3 जीरो इधर हैं, तो 91 का सामान अल्टीमेटली जा रहा है कितने में, 56 में, यानी कि नुकसान हो रहा है। तो एक्चुअल कितना नुकसान है वो देख लो आप लोग, कितने का गैप है, 35 का अपॉन में 91 इंटू में 100, सात एकम सात, दो सात्र के 21 ना, कितने 39 आ जाएगा, 39 हो गया, 11 बच गया, 13 104 हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, 40 11 107, हाँ ये हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। MRP टैग कर रहा है उस पर, वो कोई बात नहीं, ठीक है ना, हाँ यही कह लो आप लोग, ठीक है, जितना बोला उस हिसाब से तो ये निकलेगा। और 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम ही देता है, यानी कि कस्टमर को भ्रम है कि उसे 1 किलोग्राम मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में जा कितनी जेब से रहा है, सिर्फ 920 ग्राम जा रहा है, ठीक है। 3 जीरो से आप फिर से 3 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है, 92 हो जाएगा, इसका सामान 115 में आ रहा है, तो कितने का फ़ायदा, 8 और 5 23 का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, बटे में 92 इंटू में, ये शायद इसका 4 गुना है, ये तो 25 पे चला जाएगा, ये
करें नेक्स्ट। इसके बहुत अच्छे सवाल आए थे लास्ट सीपीयू में। देखो सुनो, इसमें दो जगह पे फ्रॉड हो रहा है ना, एक जगह तो वो जहाँ से वो लेके आ रहा है उसका जो सप्लायर है वो, और एक जो ग्राहक को अपने बेच रहा है वो, सप्लायर से भी 20% का फ्रॉड कर रहा है और बेचने वाले को भी। पहले बेचने वाले की बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले सवाल हमने बेचने वाले के किया था। तो 20% का स्कैम का मतलब ये हो गया कि अगर जिसको वो बेच रहा है उसको ग्राहक को लग रहा है कि 1000 ग्राम मिल रहे हैं लेकिन एक्चुअली मिल कितने रहे हैं, सिर्फ 800 ग्राम। आप इसको 80-100 भी ले सकते हो। और ध्यान रखना, जब बेचने जहाँ से वो लेके आ रहा है पिछले जहाँ से सप्लाई हो रही है, इसको हम लोग रिवर्स लिखेंगे, यानी कि एक्चुअल में लेके आ रहा है 1200 ग्राम कितने पे, 1000 पे, ठीक है। मतलब उसको 1000 का ही कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, उसकी जेब से जो जा रहा है ना वो लिखेंगे बस हम लोग। इधर है 50, इधर है 50, काट दो आप लोग, ठीक है। ये 8 का सामान कितने में आ जाएगा, 12 में आ जाएगा, यानी कि 4/8, यानी कि 1/2 है ना, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, जब वो कस्टमर को बेचेगा और जब वो सप्लायर से लेके आएगा, बस यहीं पे भूलने वाली बात है। नेक्स्ट करें। करो ट्राई। क्या आ रहा है? देखो सुनो, इसमें ना सारी बातें हो गई हैं। पहला कि वो अपने सामान को जो है एमआरपी से जो ना सीपी से 35% एक्स्ट्रा चार्ज करता है, फिर वो कस्टमर को वो डिस्काउंट दे दे रहा है कितने परसेंट का, 23 का, यानी कि
77, फिर वो जहां से खरीद रहा है ना, वो खरीदने के समय जो मतलब जहां से लेके आ रहा है सप्लायर से, 1 किलोग्राम के बजाय 1120 ग्राम, यानी वो पे कर रहा है सिर्फ 1 किलोग्राम का, लेकिन लेके आ रहा है 1120 ग्राम, लेकिन जब वो कस्टमर को अपने बेच रहा है तो वो 1 किलोग्राम के बदले कितना दे रहा है, सिर्फ 880 ग्राम। ये सारी चीज़ें ठीक है। 3 1 4, 3 1 4 से 4 0 तो पहले तो आप कैंसिल कर दो, तो जो कटने लायक काट दो, 11 8 88, 11 7 77 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा 8 1 8 और 8 4 32 हो जाएगा। फिर इसको इससे मत काट देना, इधर के डाटा को इधर से काटना हमने, है ना। अब इधर बचा क्या हमारे पास, 1000 × 1000 करके शॉर्ट कर सकते हो आप लोग, या और काटना चाहो तो और काट लो, 5 की टेबल से कट जाएगा वैसे ही, चलो काट ही लेते हैं ठीक है, अब तो नहीं कटेगा। तो इधर बचा हमारे पास क्या, सिर्फ 2000 बच गया, और इधर क्या बच गया हमारे पास, इधर बच गया है 49 का 4 और 14 4 18 ठीक है, 20 का 12, 112 और 12, 124 का फिर 12, 1246 आ रहा है क्या, सॉरी 2646 आ रहा है। हाँ तो कितने का हो गया, 646 का हो गया प्रॉफिट ओवरऑल, 2000 रुपये इन्वेस्ट करके इनटू में 100 हो गया ठीक। पहले तो 2 से काट लो, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6 है ना, 323 बटे में 10 हो गया, तो 1 पॉइंट छोड़ के हम 0 लगा लेंगे, यानी कि 32.33। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वैकेंसी है भाई, पर्सनल असिस्टेंट की, कोर्ट मास्टर की, 107 पोस्ट है, आसान पेपर आता है इसका। देख के तो लग रहा है कि शायद 12th होनी चाहिए, बाकी ग्रेजुएशन भी मांग सकते हैं। ओके डन, आगे बढ़े। एक लास्ट क्वेश्चन है बस डिसऑनेस्ट सेलर का। इसको ट्राई कीजिए,
जी करें ट्राई। 700 तो नहीं है, देखो सुनो क्या कह रहा है। एक दुकानदार लागत मूल्य पे बेचने का दावा कर रहा है, ठीक है, लेकिन 945 ग्राम के बजाय कुछ गलत का प्रयोग कर रहा है। ये जो 945 है ये कस्टमर को मिला मिल रहा है, और इसके बदले वो कम का यूज कर रहा है, तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 26% का प्रॉफिट हो रहा है ना? हाँ, 750 ग्राम आएगा। तो आप यहाँ से या तो इसको सॉल्व कर लो, देख लो कितना गुना है। देखो सुनो, या तो आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हो, हमारा सीपी हो गया, ये क्या हो गया हमारा एसपी हो गया, 100 का खरीदा और प्रॉफिट हो रहा है 26 का, तो एक्चुअल में कितना हो गया 126। आप इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 50 और 63। अब ये जो हमें 945 दे रखा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डाटा है। तो ये कस्टमर को बेचने वाला डाटा एक्चुअली में, जो कि इसका कितना गुना है, 15। लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ गलत वजन का उपयोग किया, और मतलब देना था 945, कम किया, तभी तो प्रॉफिट हुआ है ना, ये चीज़ है। और जनरली हमारे मन में रहता है ना 1000 चल रहा है, इसलिए भी हम इधर रखते हैं ना ये चीज़ है। तो इसका 15 गुना करोगे तो इसका सीपी कितना आ जाएगा, 710 ग्राम हो जाएगा। हाँ, 1000 का तो कोई इसमें रूल रूल नहीं है, जनरली हम लेके चलते हैं 1000, इसकी वजह से ऐसा लगता है। करें आगे बढ़े। न्यू टाइप लिख लीजिए। मैं बताता हूँ, देखो सुनो, सबसे पहले जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 100 का 126 पे, है ना? तो इसका रेशियो आ गया कितना, 50 और 63 आ गया। ये हमारा सीपी आ गया, ये हमारा एसपी आ गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में जो डाटा दिया हम उससे कंपेयर करा लेंगे, है ना? तो क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है क्या कि 945 ग्राम के बदले वो कुछ कम ग्राम का प्रयोग करता, हमें नहीं पता कितना, जो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू का जितना गुना है हम उतना गुना करके इसको निकाल लेंगे, बाकी आप इसको फ्रैक्शन में भी रख के सॉल्व कर सकते हो। जैसे देना था एक्स ग्राम, दे दिया 945, है ना? कमाना था 100 लेकिन कमा रहा है 100, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, पैसे भी आ जाएगा कोई, वो एक ही बात है, वो रेशियो में ही चल रहा है ये भी। मतलब इस तरीके से इन दोनों का प्रोपोर्शन रख लिया, इन सीपीएसपी सीपीएसपी। अच्छा ठीक है सर, पक्का ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, आगे बोलो। इनटू, हाँ जी हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पच्चीस तीन 75 और 25 चौक 100 हो गया, 5 6 30 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 9 45 हो गया। वो तो रहा है, कट तो रहा है यार, क्यों दे रहे हो टेंशन। न्यू टाइप लिख लीजिए।
करना है। न्यू टाइप लिखिए। कह रहा है एक वस्तु को पहले 12% के लाभ पे बेचा जाता है, फिर कह रहा है कि अगर हम उसे 10% कम पे खरीदते और इतने रुपए ज़्यादा पे बेचते तो हमारे 30% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य बताना है आपको। ध्यान से सुनना आप लोग। मान के चलो एक मिनट के लिए कोई सामान था जो 100 का था, हमने ये खुद ही एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो पहली कंडीशन में वो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि 12% के प्रॉफिट पे, यानी कि 100 का सामान कितने पे, 112 पे। फिर सेकेंड कंडीशन में वो कह रहा है क्या कि उसको 10% कम पे लेके आता है, तो 10% कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। 10% कम कर दिया मैंने, फर्स्ट परसेंटेज का यूज भी कर लिया, मैंने सेकंड का भी यूज कर लिया। अब वो ये कह रहा है, अच्छा ये एक्चुअल अमाउंट थोड़ी है, तो हमने खुद से अजम्पशन ली है। वो कह रहा है कि अगर वो जो पहले जो सेलिंग प्राइस हो रहा था, अगर वो इसमें क्या कह रहा है कि अगर 5 रुपए 75 पैसे ज्यादा होगा, अगर वो 5 रुपए 75 पैसे ज्यादा बढ़ाएगा तो जो उसका प्रॉफिट है वो कितना बढ़ जाएगा, 30%। पहले कितना हो रहा था, 12% का हो रहा था ना, अब होगा 30%। तो इसका 30% आप लोग निकालोगे तो कितना आएगा पता है, 9 × 3 = 27, यानी कि 117 रुपये। तो ध्यान से सुनना कि मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, मेरा डिफरेंस आ रहा है 5 रुपये का, और गिवन डिफरेंस कितने का है, 5 रुपये 75 पैसे का। तो ध्यान रखना आप लोग कि गिवन डिफरेंस ओवर माई डिफरेंस है ना, इंटू 100 कर दो। तो देखो उन्होंने दिया है 5 रुपये 75 पैसे, मेरा आ रहा है 5 रुपये इंटू में 100। 100 क्यों, क्योंकि हमने 100 ही माना था, ठीक है। पॉइंट हटा के नीचे 0 आ जाएगा, ये चला जाएगा 5 पे और ये चला जाएगा, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। ये इस चैप्टर का एक काफी पॉपुलर टाइप भी है। पहले उसने बोला कि कोई वस्तु है वो हमें 12% के लाभ पे बेचनी है ना, तो हमने खुद से अजम्पशन ले लिया 100 का, आप कुछ और भी ले सकते हो, तो पहला परसेंटेज हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया। फिर उसने कहा कि अगर वो उसको 10% कम पे लेके आए तो 10% कम कर दिया। फिर कह रहा है क्या, ये जो अमाउंट दे रखा ना उसको स्किप कर दो, फिर नेक्स्ट परसेंटेज देखो क्या कह रहा है कि फिर उसको 30% का प्रॉफिट होता है। तो पहला प्रॉफिट तो हमने अरेंज कर दिया था, अब दूसरा प्रॉफिट आप लोग यहाँ अरेंज कर दो, ठीक है। तो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 रुपये का, जबकि उन्होंने कितना अमाउंट बढ़ाने के लिए बोला था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं जो पहले मेरा सेलिंग प्राइस था ना उसमें अगर मैं 5 रुपये 75 पैसे बढ़ा दूं, ठीक है ना, तो मेरा प्रॉफिट 30% हो जाएगा सीधे 12 से। तो मैंने देखा कि मेरा डिफरेंस आ रहा है 5 का और उनका डिफरेंस आ रहा है 5 रुपये 75 पैसे का, इंटू में 100 करके मैंने सीपी निकाल लिया यहाँ से। जनरली इसमें सीपी पूछते हैं, एक्स ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्स लोगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है। एक्स लोगे तो कैसे होगा, अजय को ट्रैक ट्राई गलत है। मान के चलते हैं एक सीपी हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, उसको 12% के प्रॉफिट बेचा, एक तो हमारे पास यही हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, एसपी आ गया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर वो उसको 10% कम पे लेके आए और उसको जो है इसको जो पहला प्रॉफिट हमारा हो रहा था उसमें 5 रुपये 75 पैसे जो है वो एक्स्ट्रा लगा के बेचे, तो इसको इसका जो नया जो आया था उसका 30% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x है, करें नेक्स्ट। चलिए लिखिए अगला सवाल।
एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन में क्या कर ले हम लोग, अपना सीपीएम क्या माने, हम माई डिफरेंस, मेरा डिफरेंस 5 आ रहा है। यस, सीपी आपने 5 क्यों माना, मतलब इसकी इस ये देख के माना या? नहीं, हाँ मतलब जैसे 0.75 का डिफरेंस हो गया और आपने सीपी मान लिया, 5 मान लिया, आगे फिर नहीं 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 आएगा, नहीं तो कैसे आए, 15 आ रहा है। हाँ वो कर, हाँ ये ऐसा कर सकते हो, डिफरेंस चेक कर सकते हो आप, 100 आप बाद में वो ऐड कर दो आपस में। देखो इन सवालों में ना आपको 3% इज गिवन है, पहला प्रॉफिट फिर कम लेके आ रहा है फिर दूसरा वाला प्रॉफिट, ठीक है ध्यान से सुनना आप लोग, पहला प्रॉफिट कितने का है 10% का, फिर कम लेके आ रहा है 10% कितना हो गया, फिर तीसरा प्रॉफिट 1/4, 1/4 कितना हो गया हमारा 1245, 22.5, तो आप ऐड कर देना इसमें आप लोग 112.5 है ना, तो मेरा डिफरेंस कितने का है, गिवन डिफरेंस 9 2 11 ठीक है ना, और गिवन डिफरेंस है 3 का, हमारा डिफरेंस 11 इंटू में, ठीक है तो 3 30 बटे में 25 इंटू में 100, ठीक है तो 120 रुपये आ जाएगा। करें नेक्स्ट, अगला सवाल। करें ट्राई, ध्यान से सुनना आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, पहली कंडीशन में कह रहा है कि 10% लाभ पे बेचा था, 100 का सामान 110 में, दूसरी कंडीशन में 20% कम पे खरीदा यानी कि 100 का सामान 80 में, तीसरा 40% का लाभ पे आ जाओ आप लोग तो 8 चौक 32 आ जाएगा यानी कि 100, तो मेरा डिफरेंस आ रहा है, गिवन डिफरेंस कितना हमारा 1000 रुपये का, और मेरा डिफरेंस आ रहा है 2 का और इंटू में 100 कर देंगे, ठीक है
करें नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन। ओझा सर तो चौका मार गए इसी दिन की तलाश में थे वो। पहली कंडीशन लाभ पे बेच रहा है 100 का सामान 115 में, फिर ला रहा है 25% कम, यानी कि बोले तो 75 में, फिर 32% का लाभ। अब इसका 32% आप रफली निकाल लो अगर आइडिया नहीं है तो, ठीक है, तो कितना 25 ने 25 25 और 4 8 32 24 आ जाएगा, 24 ऐड कर देना आप लोग तो आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो कितना मेरा कम हो गया है, 16 कम हो गया, लेकिन उन्होंने कितना कम किया है 60 है ना, इंटू में 100, तो 4 चौक 16 15 और 25 कितना आ रहा है ये 375। आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े, इस टाइप में इतना ही है, न्यू टाइप करो आप लोग। एक मिनट, कर लो कोई बात नहीं। एक आदमी ने 2 घड़ियां 1800 रुपये में खरीदता है, उसमें से वो एक को कितने में बेच रहा है, 10% लाभ को बेच रहा है और दूसरे वाले को 20% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक है। यदि वो पहले वाले को 20% के लाभ पे बेचे और दूसरे वाले को 10% के लाभ पे बेचे तो उसको कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था उसे 15 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, वैसे तो इस सवाल का डिस्क्रिप्टिव भी है लेकिन आप ट्रिक से ही कर लो, ध्यान से सुनना। क्या सवाल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये ट्रिक लगेगी, ये परसेंटेज जो रिवर्स हो रहा है बस इतना ही, ठीक है ना। तो परसेंटेज गैप हमेशा सेम होगा, कितना परसेंट का गैप है, 10% का, और अमाउंट जो चेंज हो रहा है वो रख लो आप लोग। तो अगर 10% 15 है तो 100% कितना हो जाएगा हमारा, 150 हो जाएगा। और ये जो आया ना, ये डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू वॉचेज हो जाएगा आपका, ठीक है। ये उनका डिफरेंस देखो, दो वॉचेज है हमारे पास, पहली वाली जो वॉच है और दूसरी वाली जो वॉच है, उन दोनों का सम कितना है 1800 रुपये, और उनका डिफरेंस आपने निकाला है वो कितना हो जाएगा हमारा 150 रुपये।
तो पहली वॉच का प्राइस कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो, वरना जैसे सॉल्व कर दो वैसे कर लो, तो 975, 975 यानी कि 975 हो जाएगा फर्स्ट वॉच का। हमसे पूछा क्या है, अंतर पूछा है सिर्फ। अच्छा अंतर पूछा तो हमारा सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया वैसे, ठीक है ना। हमसे सिर्फ डिफरेंस पूछा है, तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको परसेंटेज डिफरेंस लेना है और इनटू में अमाउंट डिफरेंस लेना है, और इनटू में क्या कर देना है आपको, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, सेम ही होगा। सेम नहीं होगा तो वो भी क्वेश्चन है मेरे पास अभी, लेकिन फिलहाल ये एक टाइप है। 2013 में पहली बार ये आया था क्वेश्चन इसका। हाँ दूसरा मेथड है, जो मैंने फर्स्ट सीजियल दिया था ना उसमें क्वेश्चन आया था, ये वाला नहीं आया था, मतलब अभी जो दूंगा वो वाला। अच्छा डिफरेंस जैसे आपने निकाल लिया ना, उसके बाद मान के चलो अगर फर्स्ट का पूछता है, तो ऐसे लिख करके आप पहले वाले का सीपी निकाल लो, और यहाँ से आप दूसरे वाले का सीपी 975 का डिफरेंस निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, 825 रुपये आ जाएगा। इनका डिफरेंस वही 150 का आ जाएगा। वैसे जनरली जब भी आया सवाल हमेशा डिफरेंस का ही पूछा हुआ है। करें क्या आगे, देखो सुनो आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। मान के चलते हैं गाइस, पहली घड़ी का प्राइस ये है और दूसरी घड़ी का प्राइस ये है, 100 मैंने इसलिए माना ताकि परसेंटेज आसानी से निकल जाए। अब पहली कंडीशन में उसने पहली घड़ी को क्या बेचा है, 10% के प्रॉफिट पे, तो यानी कि 110 हो जाएगा, और दूसरी वाली को, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सीपी था उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। और दूसरी कंडीशन में पहली वाली को बेच रहा है 20 पे और दूसरी वाली को 10 पे, उस केस में जितना प्रॉफिट हो रहा था उससे 15 रुपीज़ क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आप इसकी वैल्यू को उठा के रख दो, यहाँ से एक्स और वाई का मान आ जाए, जैसे इसका मान ये जो आया ना, इसको यहाँ पे रख दो आप लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा 110x प्लस में 120y प्लस में 15 बराबर में, यहाँ पे लिखा हुआ 120x प्लस में 110y, 110 को इधर ले आओगे तो हो जाएगा 10x, और इसको इधर लेके आओगे ना तो माइनस का 10 बराबर में 15, 10 को कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस में वाई, या एक काम कर लेते हैं ना, 10 कॉमन क्यों लेना, 10 से गुणा करा लेते हैं। क्यों 10 से गुणा करा लेते हैं, क्योंकि हमने 100 तो माना ही था, तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 100y। हमने पहले वाले का दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा कितना, 150 रुपये, ठीक है। बाकी अगला करें, नेक्स्ट वाला शॉर्ट में ही करना, टाइम कम है, हमने निपटाना भी एक एक टाइप अभी और बचा हुआ है, मतलब सेम ही वही परसेंटेज चेंज का है शायद, हो जाएगा। अमाउंट वाइज कितना मिल रहा है, 5 रुपये ज़्यादा, और आप देखो पहले वाले को 10 पे, दूसरे वाले को 20 पे, फिर पहले वाले को 20 पे और दूसरे वाले को 10 पे, तो इनका प्रतिशत डिफरेंस कितना क्या है, और इनटू में 100 है ना, 50 का, ठीक है। ये था सीजल 2013 का प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन। और अगर मान के चलो पूछ लेता है इंडिविजुअल, तो
है ना, पहला घोड़ा अगर हम एक्स मान ले, दूसरा वाला वाई मान ले, तो दोनों का टोटल कितना है, और दोनों का डिफरेंस आपने कितना निकाला, तो एक्स का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो आप लोग, यानी 825 हो जाएगा, और वाई का मान क्या हो जाएगा, दोनों को घटा करके आधा कर दो, तो 800 में से 25, 800, ठीक है, 500 कैसे कर रहे हो, ये ट्रिक है, सीधे जोड़ के आधा कर दिया, 1650 का आधा 825, 1600 का आधा 800, 50 का आधा 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 800, 800 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, 775, क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ पे। आगे बढ़े, करें न्यू टाइप, न्यू क्या है, बस वही सेम ही क्वेश्चन है, परसेंटेज अलग अलग है। यार है ध्यान से सुनना आप लोग, अगर मैं मान के चलो 100x और 100y ही मान लेता हूँ, सपोज करो आप लोग, दो आर्टिकल है ना इसमें, एक टेबल है और एक क्या है, बुक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, जो टेबल है उसको इसने बेचा 12% की हानि पे, तो मैं सिर्फ 12 ले रहा हूँ, हानि का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, और दूसरे वाले को बेच रहा है वो 19% के लाभ पे, यानी सिर्फ ले लिया मैंने 19, तो ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ मैंने परसेंटेज लिया है, मेरी बात एक बात का ध्यान से सुनना, अगर 100 रुपये का सामान है, ठीक है, और इसको 12% के लाभ पे बेचा गया है, तो अमाउंट कितना आएगा इसका, सिर्फ 12 रुपये आ जाएगा प्रॉफिट हमारा, लेकिन अगर हमें इसका वो निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना, तो फिर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 112, तो हम ये सेलिंग प्राइस नहीं रख रहे, क्यों, हमने सिर्फ परसेंटेज इसलिए रखा है क्योंकि हमें ये जो दे रखा है वो लास्ट में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज अमाउंट ही दे रखा है एक्चुअली, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा सेलिंग प्राइस होता, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो उस केस में हम यहाँ पे 100 वाला कंसेप्ट लगाते हैं या 80 वाला कंसेप्ट लगाते हैं, जैसे लास्ट में लगाया था हमने। दूसरी कंडीशन में क्या चाह रहा है ये, टेबल को 12% के लाभ पे और इसको 16% के लॉस पे, तो इसको क्या आ रहा है, 40 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो आप लोग। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ठीक है, वाई की वैल्यू को रख दो आप लोग यहाँ पे, तो 76,760 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 600, तो एक्स की वैल्यू शायद आ जाएगी 50, वाई की वैल्यू को किसी में भी रख दो, किसी भी इक्वेशन में, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है, टेबल और किताब के मूल्यों का अंतर, तो कितने का अंतर है हमारा, 100x माइनस का 100y, है ना, तो 100 कॉमन ले लीजिए, और एक्स और वाई का डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, 10 का है ना, तो इनका अंतर आ जाएगा। वैसे आप इससे भी करा सकते हो, 4,000 इसका प्राइस है और इसका प्राइस 5,000 रुपये, अच्छा इसी मेथड से पिछला वाला टाइप भी कर सकते हो, जो अभी कर रहे थे ना वो परसेंटेज वाला, उससे भी कर सकते हैं।
बचा हुआ अभी हो गया हाँ चैप्टर खत्म। यही करना हो गया, लिख लिया सबने, लास्ट कर लो आप लोग। एक कलम और एक क्या, एक किताब है ना, एक बुक है और एक पेन है गैस। 100 ही मान लो, कोई बात नहीं। तो पहली कंडीशन में 5% का क्या है, लॉस है, और 15% का क्या है, पेन है, और इसमें इसमें मिला के ओवरऑल उसको 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो कलम को 5% के लाभ पे बेचे और किताब को 10% के लाभ पर बेचे, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, कलम ये बुक को मैंने उल्टा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। ये बी बराबर पेन मान लेना, ठीक है, और पी बराबर बुक मान लेना, एक कलम को, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में उसने कहा कलम को 5% के लाभ पर बेचे और बुक को 10% के लाभ पर बेचे, ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है, 6 रुपये ज़्यादा कमाता है पिछले वाले के मुकाबले, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 13 लिखेंगे, ठीक है। जो कटने लायक कंडीशन है काट देंगे, इनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 5 का, और इनका डिफरेंस आ जाएगा 6। अच्छा हाँ ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस करने पे कट रही है। 25 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4/5 की वैल्यू यहाँ पे रख लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12, 5 आ जाएगा, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, किताब और कलम के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक को तो आपने 100 माना था, तो 100 को 4/5 से करोगे आप लोग, और एक को आपने 100 माना था तो उसको 1 से करोगे आप लोग, है ना। तो ये तो 100 आ गया, और ये कितना आ गया हमारा, 80 आ गया, तो 80 और 100 आ गया, है ना। कहीं तो ऑप्शन में 100 और 80 तो नहीं है ना, चैप्टर समाप्त। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सावधान रहिएगा, करते रहिएगा प्रैक्टिस, क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, मैं भेज दूंगा आपको। दोनों की वैल्यू आ गई पी और वी की, तो पी से मल्टीप्लाई करा दिया और बी वाले की वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो दोनों का एक्चुअल प्राइस आ गया। एक्चुअल प्राइस पूछा उन्होंने, डिफरेंस नहीं पूछा इसमें।